हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, और यथासंभव हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू मैनेज एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राफिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड अलोंग विद सीपीयू। ग्राफिक्स के कार्य प्रदर्शन को व्यवस्थित और बढ़ाने के लिए सीपीयू के साथ निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा जीपीयू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा। Which of the following devices cannot be shared on a computer network? निम्नलिखित डिवाइस में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे नोड हैं, नोड यानी कि कई सिस्टम्स नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, मान लीजिए, ठीक है। और हम यहाँ पर कहते हैं सिस्टम नंबर 1, 2, 3, 4 हमारी ये सिस्टम्स हैं, और ये आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, और नेटवर्क पे जुड़ा हुआ प्रत्येक कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस होती है, ये सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक नंबर पर अगर कोई हमारा डाटा रखा हुआ है, तो अगर हम शेयर करना चाहते हैं 2 को 3 को 4 को, तो क्या हम शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं? तो कौन कौन सी चीजें शेयरेबल होती है, कौन कौन सी चीजों को हम शेयर कर सकते हैं? तो देखिए, तो यहां पर अगर आपके पास डिस्क है, यानी कि अगर आपको सीडी हो या डिस्क हो, ठीक है, या फिर ड्राइव, कोई भी ड्राइव अगर आपको शेयर करना हो, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव, अगर आपको यहां से किसी भी सिस्टम को शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हो, और सामने बैठा हुआ सिस्टम आईपी के माध्यम से या इस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्राइव या अपना जो हार्ड डिस्क है उसको भी हम शेयर कर सकते हैं, उसको भी हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और सीडी भी हम कर सकते हैं, प्रिंटर यानी कि प्रिंटर को भी हम शेयर कर सकते हैं, वो चाहे नेटवर्क पे हो या फिर हम नेटवर्क के माध्यम से उसको शेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हार्ड ड्राइव्स और कीबोर्ड्स, और यहाँ पर कीबोर्ड को हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपना जो कीबोर्ड है तो लोकल पीसी पे ही काम करेगा। तो हार्ड ड्राइव और सीडी ड्राइव और प्रिंटर, इनको हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे शेयर करते हैं, हम आपको थोड़ा सा स्टेप बता भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को शेयर करना है कि दूसरे सिस्टम पर एक्सेस करना है, जैसे आपको सी ड्राइव मान लीजिए या डी ड्राइव आपको शेयर करना है, तो करना क्या होता है कि राइट क्लिक करके और आपको शेयर विथ करके, और यहाँ पर एडवांस शेयरिंग पे जा करके आप वहाँ पर आप शेयर कर देते हो, ठीक है। जैसे आप शेयर कर देते हो, तो जो भी इस सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा, तो वो आईपी एड्रेस आप जब डालते हो, ठीक है, इस तरह से करके शेयर, जो डाटा हमारा शेयर है, ठीक है, उसको एक्सेस करने, जैसे मान लीजिए कि हमारा सिस्टम ये 1 है, अगर आप 2 वाले को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इस तरह से /back/192.168.1. और जो जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे हमारा मान लीजिए सिस्टम नंबर 1 है, अब 2, 3, 4 या किसी को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो उसकी आईपी आप डालोगे, ठीक है। तो उसकी आईपी डालने के बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, तो अगर वो सिस्टम शेयर्ड है, उसका ड्राइव शेयर्ड है, तो वो ड्राइव से आपके सिस्टम पे दिखने लगेंगी। तो कुल मिलाकर के हम हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव और प्रिंटर को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम कीबोर्ड को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसको शेयर नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा, देख क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस दृष्टि से आप इसको देखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाज यूज्ड, यानी कि जो आईसी है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्वेश्चन, इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो वाज यूज्ड, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में एकीकृत
सर्किट का प्रयोग किया गया था, तो ये यूज हुआ था आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक है, तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 पीढ़ियां हैं, जिसमें से फर्स्ट पीढ़ी में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था क्या आईसी, और फोर्थ में प्रोसेसर, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर थर्ड जनरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फिफ्थ है अपना, फोर्थ नंबर, ओके। MICR स्टैंड फॉर, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड, MICR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बायोमेट्रिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बायोमेट्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो बायोमेट्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो किसको किसको किया गया है? वॉइस स्कैन, रेटिना और फिंगरप्रिंट, और किसको नहीं किया गया है? डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर अपना बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत नहीं आता, बाकी जो आपका वॉइस स्कैन, रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट है, ये सभी बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इंपैक्ट प्रिंटर के कौन से एग्जांपल नहीं है, नॉट एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें नॉट अ एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो ये लेजर प्रिंटर है, तो इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ये लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर जो प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर ये इंपैक्ट प्रिंटर है, जबकि लेजर प्रिंटर क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, तो इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लेजर प्रिंटर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, The terms LCD in digital display technology stand for, डिजिटल प्रदर्शन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू प्रोसेस साउंड इन ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर में ध्वन के संचालन के लिए आवश्यक है, यानी कि क्या होना आवश्यक है जिससे कि कंप्यूटर में क्या आती है? ध्वन आती है, यानी कि साउंड आएगा, तो क्या होना आवश्यक है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्वनि आने के लिए क्या होना चाहिए? साउंड कार्ड का होना आवश्यक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउंड कार्ड। लेकिन जो आपका यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसको हम NIC कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो NIC कार्ड का काम क्या होता है कि अगर नेटवर्क पर सिस्टम को आपको लाना है, ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अगर कनेक्ट करना चाहते हो, नेटवर्किंग करना चाहते हो, तो लैन केबल आप लगाना पड़ेगा आपको, और वो लाइन केवल तभी काम करेगा जब क्या होना चाहिए? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि NIC कार्ड होगा, तभी सिस्टम नेट से, यानी कि नेटवर्क पर कनेक्शन इसका होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि साउंड के लिए, साउंड आने के लिए क्या करना पड़ेगा? साउंड कार्ड होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा। NIC कार्ड तो किसके लिए होता है? नेटवर्क कनेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आपका नेटवर्किंग काम करे तो इसके लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना आवश्यक है। ठीक है, तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ है, द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी इज नोन एज, किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर। अच्छा, प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम खरीदते हैं, जिसको हम लाइसेंस जिसका लेते हैं, वो प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि मालिकाना सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको हम, ना? ठीक है, अब यहाँ पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें नए फीचर ऐड कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड अवेलेबल
अवेलेबल होता है उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर ओन्ड बाय इंडिविजुअल कंपनी, तो यानी कि आपके लिए इंडिविजुअल आपके लाइसेंस आप लेते हो तब आपको वो मिलता है, उसको हम प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर यानी कि मालिकाना सॉफ्टवेयर हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा कहता कि कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसको हम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, Which of the following is an open source operating system? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही किया कि open source जो operating system है इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे open source कौन सा है, Linux। Linux एक क्या है, open source software है, इसका जो development है Linus Torvalds ने किया 1991 में किया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो Windows, Microsoft Windows, iOS, OS X ये जो सभी हैं तो proprietary software यानी कि मालिकाना हक वाले ये software हैं। ठीक है, लेकिन ये ऊपर Linux क्या है, open सोर्स सॉफ्टवेयर है। और हमने क्या बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसका एग्जांपल क्या है, लिनक्स। ठीक है, ये लिनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, हाँ, इन कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1 GB इज इक्वल टू, यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं, ये मेमोरी मेजरमेंट का क्वेश्चन है कि हाँ 1024 MB, 1024 MB, 1 GB बराबर 1024 MB होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, Which of the following software utilities detect and removes harmful threat to a computer and its data? यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आप क्या करता है, वो यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर है और आपके सिस्टम को यानी कि वायरस आने से बचाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगिता कंप्यूटर को इसके डाटा से हानिकारक खतरों का पता लगाती है, तो हानिकारक यानी कि वायरसेस हो गया और वॉर्म्स हो गया, थ्रेड्स हो गया, इनसे बचाने के लिए कौन काम करता है, एंटीवायरस। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के मरम्मत करने का काम आता है उसको हम यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस कौन हो जाएगा, एंटीवायरस। ठीक है, सिस्टम की मरम्मत करने का काम करता है, जैसे वायरस आ गया उसको हटाना है, एंटीवायरस यूज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर एंटीवायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ए यूनिक्स फ्लेवर, यानी कि यहां पर यूनिक्स फ्लेवर कौन सा नहीं है, यानी कि यहां पर देखिए रेड हैट, फेडोरा, उबुंटू ये सभी यूनिक्स के फ्लेवर हैं, आप कह सकते हैं उनके वर्जन्स हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कौन सा फ्लेवर नहीं है यूनिक्स का, तो यहां पर मार्स एलो ये जो है आपका यूनिक्स का फ्लेवर नहीं है, बाकी रेड हैट, फेडोरा और उबुंटू ये सभी यूनिक्स के फ्लेवर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखेंगे सीपीसीटी का आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन, GUI इज शॉर्ट फॉर्म फॉर, GUI का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा हुआ है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना या फिर ओल्ड यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है आप देखोगे उसमें कि हमने जितने भी फुल फॉर्म बताया है A to Z उसमें से आपको पक्का मिल जाएगा। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, राइट आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको C नंबर यहाँ पे मानना है। ठीक है, यूटिलिटी नहीं होगा आपको, यहाँ पर देखिए कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रहा है, यहाँ पे हम आपको सुधार के दिखा देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे और इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा, ये हाँ ग्राफिकल यूजर, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, हाँ
ओके बैक करते हैं और 14 पे चलते हैं, राइट आंसर देखते हैं इसका। हाँ, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस या कहीं कहीं रहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी रहता है, तो आपको यहीं पे राइट आंसर क्या मिल जाएगा, जीवा का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जीयूआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जीयूआई का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ओरेकल, ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका MySQL, SQL सर्वर और ओरेकल, MS एक्सेस, ये सभी डेटाबेस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज कमांड इज यूज्ड टू पार्टीशन ए हार्ड डिस्क ड्राइव, निम्नलिखित में से किस विंडो कमांड का प्रयोग उस हार्ड डिस्क ड्राइव को विभाजन के लिए किया जाता है, तो ये कमांड्स है। ठीक है, तो डिस्क पार्टीशन के लिए कौन सी कमांड चलाते हैं, डॉस में डिस्क पार्ट चलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप सिस्टम फॉर्मेट, अगर आपके सिस्टम फॉर्मेट आता है तो आप चाहते हैं कि उसका पार्टीशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आप विंडो की सीडी डाल दीजिएगा, विंडो की सीडी डालने के बाद फिर आप लास्ट में जब फॉर्मेट करते हैं उसके एक स्टेप पहले, ठीक है, आपको शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करना है, और शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करोगे तो डॉस ओपन हो जाएगा, डॉस में आपको कमांड चलाना है डिस्क पार्ट। ठीक है ना, यहां पर चलाना है आपको क्या, डिस्क पार्ट कमांड चलाना है। ओके, डिस्क पार्ट चलाना है, एक साथ लिखना है। ठीक है, डिस्क पार्ट एक साथ चलाना है, और डिस्क पार्ट चलाने के बाद फिर ये जितने भी डिस्क लगे होंगे, जैसे आपने कहा कि आपके सिस्टम में अगर क्या लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा होगा, आपके सिस्टम में अगर क्या लगी होगी, पेन ड्राइव लगी होगी। ठीक है ना, तो दोनों को शो कर देगा, और यहां पे इसको जो पहली डिवाइस होगी उसको जो इंडेक्स है 0 से शो करेगा, और सेकंड वाली 1 से और थर्ड वाली 2 से, इस तरह से शो करेगा। आप चाहते हो कि जो हमारी हार्ड डिस्क है इसका हमें पार्टीशन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो डिस्क पार्ट लिखने के बाद फिर आपको यह सेलेक्ट करना होगा ना, क्या 0 वाली हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है, 0 पोजिशन वाली, तो क्या लिखना होता है, सेलेक्ट डिस्क। ठीक है ना, सेलेक्ट डिस्क और 0 पोजीशन, इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, तो फिर इसके बाद क्लियर कमांड चलाते हैं। जब क्लियर कमांड आप चलाओगे तो डिस्क आपका क्या हो जाएगा, पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर जो डिस्क का पार्टीशन के लिए, ड्राइव के पार्टीशन के लिए जो यूज होता है, तो डिस्क पार्ट यूज होता है। ठीक है, तो आप अभी ट्राई नहीं करना, अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर आपकी फाइल होगी, पेन ड्राइव लगी होगी, तो इस तरह से आप ट्राई नहीं करना कि डिस्क पार्ट, फिर आप सेलेक्ट 0, सेलेक्ट डिस्क 0, और फिर या 0 पे ऑलरेडी क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका हार्ड डिस्क रहता है, इसके बाद 1 पे क्या रहता है, जो अदर डिवाइसेस आप लगाओगे, उसके बाद ये रहता है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है तो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी में स्टोर होता है, किस में स्टोर होता है, बाइनरी में स्टोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किस पद्धति का उपयोग नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आपको दो सिस्टम के बीच में डाटा ट्रांसफर करना है ना, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन केबल का यूज कर सकते हैं, मेमोरी स्टिक क्या है यहाँ पे, तो मेमोरी स्टिक यानी कि आपकी पेन ड्राइव। ठीक है, तो यानी कि पेन ड्राइव का और लैन केबल का, वाईफाई का यूज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर करने के लिए आप यहां पर हाईफाई इसका यूज, ये इनकरेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाईफाई हो जाएगा। इस पद्धति के द्वारा हम डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बाकी नीचे तीनों दिए के अकॉर्डिंग हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट यूज टू क्लोज दिस करंटली एक्टिव एप्लीकेशन विंडो, यानी कि अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन क्या है, खुली हुई है, उसको अगर आपको बंद करना है, तो बंद करना है तो क्या यूज करेंगे, अल्ट प्लस या F4 प्रेस करेंगे, तो वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी कि विंडो की एप्लीकेशन कोई खुली हो, अगर आप क्या प्रेस कर दो, अल्ट प्लस या F4 प्रेस कर दो, अल्ट प्लस या F4 करने से क्या होती है, वो एप्लीकेशन विंडो की क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो क्लोज द एप्लीकेशन,
ठीक है, क्लोज द एप्लीकेशन क्या होगा शॉर्टकट की इसके लिए, अल्ट प्लस या फोर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस या फोर, यहां भी देखिए अल्ट प्लस या फोर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, Which of the following can not be used to establishing internet connection? निम्नलिखित में से कौन सा या किसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो which of the following can not be used to establish internet connection? इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको establish करना है, इंटरनेट कनेक्शन लगाना है, चलाना है, तो इसके लिए कौन सी, किस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए स्विच से हम कर सकते हैं, स्विच अगर आपको, स्विच क्या है कि अगर आपको बहुत सारे सिस्टम में कनेक्टिविटी पहुंचाना है, ठीक है, स्विच का यूज कर लो आप, ठीक है। अगर मान लो एक बड़ा बहुत बड़ा लैब है, यानी कि 400-500 का सिस्टम है, तो वो सिंगल स्विच से काम चलेगा नहीं, आप यूज करोगे 8 पोर्ट का स्विच यूज करोगे या 24 पोर्ट का स्विच यूज करोगे, ठीक है ना। तो यानी कि इतने सारे स्विच का पोर्ट नहीं मिलेगा आपको, पोर्ट का स्विच नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे स्विच यूज करना पड़ेगा अगर आपको नेटवर्किंग करना है, इंटरनेट चलाना है, तो ठीक है। तो यहां पर स्विच भी यूज कर सकते हैं, राउटर का भी यूज कर सकते हैं, मॉडेम का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर HDMI का यूज नहीं किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, HDMI का यूज आप नहीं करोगे, ठीक है। हाई डिफिनेशन मल्टी यहां पे इसको आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। तो ये HDMI का यूज नहीं किया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए, बाकी के तीन यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा HDMI हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर चालू होता है तब निम्न में से कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा BIOS। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, द टर्म्स UPS इन कंप्यूटर पावर बैकअप टर्मिनोलॉजी स्टैंड फॉर, यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिट रिपीटेबल पावर सप्लाई, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज स्टार्टेड फ्रॉम अ पावर डाउन ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है जब कंप्यूटर बंद स्टेट से चालू किया जाता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग। तो हमने बूटिंग आपको बताया था कि व्हाट इज बूटिंग, बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम तुरंत ऑन नहीं हो जाता, ठीक है। हमारा सिस्टम क्या होता है, तुरंत ऑन नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है, कुछ समय लेता है, क्या करता है, कुछ समय लेता है। और समय क्यों लेता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है मेमोरी में लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है। तो सॉफ्टवेयर का यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी में लोड होना ही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाती है। हमने बताया था कि बूटिंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है। हमने बताया था कोल्ड बूटिंग किसको कहते हैं, जब सिस्टम हमारा फर्स्ट टाइम चालू होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जब हमारा सिस्टम ऑलरेडी चालू हो उसको हम फिर से रिस्टार्ट कर दें, चालू कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वार्म बूटिंग, ठीक है ना। तो यहां पे सॉफ्ट कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के कई नाम भी हैं। कोल्ड बूटिंग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड बूटिंग को हम क्या बोलेंगे, हार्ड बूटिंग, हार्ड बूटिंग, क्योंकि जब सिस्टम आपका बंद रहेगा तो आप बटन दबा के ही चालू करोगे, हार्डवेयर टेस्ट करके चलाओगे, तो वो हार्ड बूटिंग कहलाएगा। सॉफ्ट बूटिंग किसको कहेंगे, जब हमारा सिस्टम ऑलरेडी क्या है, चालू रहेगा, जब हमारा सिस्टम ऑलरेडी क्या है, चालू है, और उसको हम क्या करें, फिर से रीस्टार्ट कर दें, उसको हम कहेंगे क्या, सॉफ्ट बूटिंग या वार्म बूटिंग। फिलहाल यहां पर जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे, कि जब आपका सिस्टम ऑलरेडी पावर डाउन है, बंद है, उसको आप फिर से चालू, यानी कि उसको आप चालू करोगे, उसको हम क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग। अगर यहां पे क्वेश्चन ये होता कि जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वार्म बूटिंग हो जाता है उसके हिसाब से आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है CPCT के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बूटिंग से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है, इसलिए आप उसको जरूर याद रखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, द एक्रोनिम
डॉस स्टैंड फॉर, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस के किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ये CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है ना। तो जो डॉस होता है, तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। द टर्म्स W3C इज स्टैंड फॉर, W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो W3C इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स इन is used by the Windows operating system to store information about the system, यानी कि Windows operating system द्वारा निम्नलिखित में से किस तालिका का उपयोग फाइलों से संबंधित जानकारी स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब आप सिस्टम को आप क्या करेंगे, जो चाहे आपका वो पेन ड्राइव हो या फिर आपका हार्ड डिस्क हो, जब आप उसको फॉर्मेट करोगे ना, जब आप उसको फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे क्या बोलेगा, बोलेगा आपसे ऑप्शन बोलेगा कि आपको किस में फॉर्मेट करना है, NTFS में करना है कि FAT32 में करना है, EXFAT में करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम क्या होता है कि जो अपने डिस्क होते हैं ना, तो डिस्क में फाइल को, जो हमारी फाइल्स है उसको किस तरीके से अरेंज करना है, उसको हम क्या करते हैं, फाइल, हमें फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि फाइल सिस्टम क्रिएट करना होता है। आप ये समझो कि जिस तरह से मान लीजिए कि आपका एक क्या है, घर है, घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं, ठीक है। तो उस कमरे में आपको रूम, उस रूम में आपको बेड कहाँ पे बनाना है, बेड के लिए जगह पे कौन सी होना चाहिए, और यहाँ पे चेयर के लिए, ड्राइंग सीट के लिए या फिर डाइनिंग के लिए जगह कौन सी होना चाहिए, सभी के लिए आप जगह फिक्स करते हैं ना। उसी तरह से ब्लैंक रूम में आप जिस तरह से सभी चीजों के लिए आप फिक्स करते हैं कि ये अपना सिस्टम के लिए हो गया, ये अपना बेड के लिए हो गया, ये जगह इसके लिए हो गया, आप जिस तरह से आप फिक्स करते हो, उसी तरह से जो अपना डिस्क होता है, अगर डिस्क को आप क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो, तो आपको किस फॉर्मेट में, किस फाइल सिस्टम में आपको फॉर्मेट करना है, FAT32 में करना है कि NTFS में करना है, ठीक है, वो फाइल सिस्टम आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर फैट का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हिच आर द फॉलोइंग टेबल्स यूज्ड बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल। फाइल को स्टोर करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, किस प्रकार का फाइल सिस्टम यूज करता है? तो कौन सा यूज करता है, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। क्या यूज करता है, फाइल एलोकेशन टेबल। यहाँ पे दुर्भाग्यवश क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, वहां पे आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये है 26, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। कभी कभी पूछ लेता है फैट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो फैट का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। कभी कभी NTFS का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में फॉर्क क्या है, फॉर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्क का मतलब क्या होता है, फॉर्क का मतलब यह है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, नया प्रोसेस बनाना, नया प्रोसेस क्रिएट करना, उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्क कहेंगे। तो क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्क, ठीक है, तो ये ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी PC में DOS रन कर रहा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करने में काम आता है? तो डिस्क को डुप्लीकेट यानी जैसे फ्लॉपी डिस्क वगैरह हो गया, उसको डुप्लीकेट करने के लिए डिस्क कॉपी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन का प्रयोग किया जाता है? नॉन प्रॉफिटेबल यानी कि org, यहां पर .org, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई NGO वगैरह है ना, तो NGO क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था होती है, तो उसके लिए जो संस्थाएं होती हैं वो उसके लिए डोमेन नेम क्या लेंगे, .org। .org किसके लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .com किसके लिए होता है, कॉमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन यूज होता है, .org,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ओके 30 क्वेश्चन नंबर। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्सेल फार्मूला दिया है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो आप यहां पे देखिए काउंट का यूज क्या होता है, पहले आप इसको प्रैक्टिकली आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे वैल्यू दिया है, यहां पे 12 दिया है, यहां पे ये दिया है, एक मिनट, यहां पे एक लिया है, यहां पे एक लिया है, यहां पे, तो हमें काउंट करना है भाई कि यहां से यहां तक में कितनी वैल्यू है। देखिए यहां पे हम करते हैं काउंट फंक्शन का यूज, और यहां और से लेकर के यहां तक, ठीक है, ऐसा, ठीक है, कितनी वैल्यू है? एक दो वैल्यू है। अगर हम यहां पे लिख देते हैं ए लिख देते हैं, तो अब यहां पे क्या आएगा? वन आएगा, क्योंकि एक वैल्यू यहां पे, जो काउंट फंक्शन होता है क्या करता है, केवल नंबर को गिनता है, कितने नंबर्स हैं। अगर यहां पे हम कर देते हैं बी कर देते हैं, तब यहां पे काउंट का मान कितना आने लगा? जीरो। यानी कि जो काउंट फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? केवल नंबर को काउंट करता है। तो अब देखिए काउंट फंक्शन के अंदर यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए, हाँ, 1 2 3, यहां पे 3 क्या है? नंबर्स हैं, और 4 नंबर 50 है, तो यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्योंकि आप यहां पर, जैसे आपको हम दिखा देते हैं, इक्वल टू करिए, और यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए काउंट फंक्शन लगाया हमने एक्सेल, ये एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल के क्वेश्चन आते हैं, काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहां पे लिखा काउंट फंक्शन लगाया, एक काउंट आया, टैब दबा दिया, इसके बाद यहां पर हम कहते हैं कि हमने दो वैल्यू दिया, तीन वैल्यू दिया, इसके बाद हमने वैल्यू दिया यहां पे डबल कोट के अंदर दे दिया, एग्जाम युग दे दिया, इसके बाद हमने दे दिया 3 दे दिया। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका जो आंसर आने वाला है यहां पे, तो क्या आएगा? देखिए ये, देखिए ये इसका आंसर हमने 3 कर दिया। अब यहां पर कितने वैल्यू है कुल मिलाकर के? 4 कर देते, चलिए इसको ओके। एक यहां पे देखिए कितने यहां पे डिजिट है, 2 3 और 4, यहां पे 3 डिजिट है। एग्जाम युग अपना क्या है, यह कैरेक्टर है यहां पे, तो उसको काउंट नहीं करेगा, केवल यहां पे 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे दिए गए फंक्शन के अंदर कितने डिजिट्स हैं उसको काउंट करेगा, और कितना आंसर आ जाएगा? 4। तो यहां पर काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन देगा ना, तो उसको आपसे बन जाना चाहिए। तो यहां पर काउंट फंक्शन क्या करता है? केवल डिजिट को गिनता है, ठीक है ना, ओके। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा कर देता है काउंट, और यहां पर 1 और ये 2 3 कर दिया, इसका काउंट, काउंट का मान कितना आएगा यहां पे? क्या आएगा? काउंट का मतलब होता है गिनना, जोड़ना नहीं, या आप 4 कर दोगे नहीं, यहां पे मैं जोड़ना नहीं है, सम नहीं करना है, गिनना है। तो यानी कि काउंट फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर हैं? 2 पैरामीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर हम इसकी जगह पे कोई, 3 की जगह पे कोई भी हम अल्फाबेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर तब क्या आएगा इसका आंसर? इसका क्या आएगा? 1 है, क्योंकि जो हमारा काउंट फंक्शन होता है तो केवल क्या काउंट करता है? केवल हमारा नंबर्स काउंट करता है। अगर मान लीजिए कि आप यहां कर देते हैं 2.5, तो क्या ये काउंट करेगा? कितना काउंट करेगा? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि यहां पे नंबर तो है ही, नंबर 2 डिजिट थी, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हां, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? इसका, ठीक है, यहां पे देखिए, जैसे ये जो मोड फंक्शन होता है, मोड फंक्शन क्या काम करता है? मॉड्यूल निकालने के लिए, यानी कि शेष फल निकालने के लिए। जैसे हमने कहा कि अगर आप क्या करते हो, ओके, अगर आप यहां पे 13 को डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है ना, अगर 13 को आप डिवाइड करते हो 2 से, तो शेष फल कितना आएगा? 1 आया। तो जो मोड फंक्शन होता है एक्सेल में, वो शेष फल निकालने के काम आता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस नहीं होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस कौन कौन से होते हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, मिक्स सेल रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन नॉर्मल सेल डिफरेंस नहीं होता है। तो थोड़ा सेल डिफरेंस क्या होता है, सेल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लो क्या होता है कि अगर, हाँ, ये मान लीजिए अपना क्या है, एक्सेल है, ठीक है, अगर आप यहां पे 12 12 को जोड़ते हो, यहां पे कर देते हो आप सम करते हो, ठीक है, सम लिखा, और सम लिखने के बाद यहां से यहां तक जोड़ना है आपको,
ठीक है ना। अब इसको आप नीचे की ओर ड्रैग कर दो, जब नीचे ट्रैक करोगे तो यहाँ पे देखो A1 B1 था, यहाँ क्या बन गया A2 B2 बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू आप डाल दोगे ना, जो भी वैल्यू आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग ये जोड़ देगा। तो यानी कि ये कौन सा सेल डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं कौन सा, रिलेटिव सेल डिफरेंस। जो सेल के एड्रेस होते हैं डिफॉल्ट रूप से रिलेटिव सेल डिफरेंस होते हैं। और मिक्स सेल डिफरेंस क्या होता है, तो मिक्स सेल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको आप जब ड्रैग करते हो ना, ये आपने ड्रैग किया ना, ये इधर से आप यहां से ड्रैग कर दीजिए इधर, तो ये यहां पे क्या था A1 था, जब ड्रैग कर दिया आपने तो क्या बन गया B1। हम चाहते हैं कि A1 A1 ही रहे, B ना बने, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर A के पहले हम डॉलर सिंबल लगा देंगे, तो ये मिक्स सेल डिफरेंस हो गया। तो मिक्स सेल डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि जब दोनों में डॉलर लगता है ना तब वो एब्सोल्यूट हो जाता है, किसी दोनों में से किसी एक में अगर हम डॉलर पहले लगा दिए हैं वो अपना कहलाएगा क्या, मिक्स सेल डिफरेंस। जब इसको हम ड्रैग करेंगे ना तो जब ए बी अपना नहीं बनेगा, वो ए ए ही रहेगा, ठीक है ना, ओके। अब यहां पर एक चीज और है कि अगर हम देखते हैं कि ये अपना एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस क्या होता है, तो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में दोनों नहीं बढ़ते। अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या है A1 है, अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो A1 क्या बन गया, A2 बन गया, A3 बन गया। हम ये चाहते हैं कि वो A1 ही रहे, तो हम इससे पहले भी हम लगा देते हैं क्या, डॉलर सिंबल लगा देते हैं, डॉलर सिंबल लगा देते हैं दोनों में। और दोनों में डॉलर सिंबल लगाने के लिए हम F4 का यूज करते हैं, F4 हमने कर दिया, दोनों डॉलर सिंबल लग गया, अब ये फिक्स होगा, ये अब ये A1 ही रहेगा, अब बदलेगा नहीं। तो यानी कि यही क्या होते हैं, सेल रेफरेंस होते हैं। तो एक्सेल में 3 सेल रेफरेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव सेल डिफरेंस, मिक्स सेल डिफरेंस, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस होता है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन सा नहीं होता है, तो नॉर्मल सेल डिफरेंस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 34 की ओर, ये 34 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक किया हमने। हाँ, अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह फार्मूला से पहले प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्सेल खुला हुआ है, मान लीजिए एक्सेल खुला हुआ है, हमें 12 और ये 12 को दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ पे जोड़ना है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्या करना है, जोड़ना है। तो हम कोई फार्मूला लगाना से पहले क्या करते हैं, इक्वल सिंबल लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। इक्वल लगाने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी वैल्यू है यानी कि जो भी आपको फार्मूला अप्लाई करना है अप्लाई कर दीजिए, और वो टोटल होकर के 24 आ जाएगा, देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है इस तरह से। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन ये है कि फार्मूला स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो फार्मूला हो चाहे वो फंक्शन हो, कोई भी कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इक्वल सिंबल लगाना आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 35 की ओर। हाँ, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा, तो यहां पर जो कॉन्किटनेट फंक्शन होता है, तो कॉन्किटनेट फंक्शन क्या काम करता है, कॉन्किटनेट फंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है। यानी कि इसके अंदर जो पैरामीटर के अंदर वेलकम टू एग्जाम किट ये लिखा हुआ है, तो यहां पर तीनों को जोड़ देगा, तो जब तीनों को जोड़ देगा तो इसका आंसर क्या आने लगेगा, वेलकम टू एग्जाम किट। तो यहां पर हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर किया, मान लीजिए एग्जाम लिखा, ओके यहां पे हम कर देते हैं, जैसे आपने लिखा यहां पे एग्जाम और यहां पे आपने कर दिया युग, अब दोनों को हम कॉन्केटनेट करना चाहते हैं, कॉन्केटनेट दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं, दो दो या दो से अधिक शब्दों को, स्ट्रिंग को हम कॉन्केटनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केटनेट फंक्शन का। तो आप लगाओ, इक्वल लगाओ, किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले, फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल सिंबल लगाते हैं, तो इक्वल लगाया हमने और ये कॉन्केटनेट फंक्शन देखिए आ रहा है, कॉन्केटनेट। एक्सेल में जब आप कोई फंक्शन टाइप कर रहे होते हैं, जब कोई फंक्शन आप टाइप करो, जब उसका नाम नीचे आने लगे तो आपको पूरा टाइप करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल टैब बटन दबा दो, टैब बटन दबा दोगे ना पूरा आने लगेगा, फिर आपको यहां से जो भी फंक्शन आपको यहां पे रेंज देना है, जैसे ये रेंज देना है, रेंज नहीं देना है, अलग अलग सेपरेट लिखना है, लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, एंटर मार दो, देखो यहां पे एग्जाम यू इकट्ठा आ गया। तो इस तरह से आप यहां पर काम कर सकते हो। तो यहां पे देखिए कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को कंबाइन करना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हमने 6 पे क्लिक किया, इसके बाद निम्नलिखित में से एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा, हाँ इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए।
तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट और लेफ्ट के बाद, लेफ्ट हमारा फंक्शन है और यहाँ पे सीपीसीटी एग्जाम टेस्ट फॉर यू ये लिखा हुआ है और कॉमा फोर लिखा है। इसका मतलब यह हुआ इस दिए गए टेस्ट के लेफ्ट से चार अक्षर उठाना है, तो चार अक्षर क्या उठेगा, सीपीसीटी उठेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है एग्जाम युग लिखा है, अब हमें यहां पे इस शब्द के लेफ्ट से चार अक्षर उठाना है, तो यहां पे आप क्या करोगे, लेफ्ट किस शब्द का, इस शब्द का, कितने अक्षर, चार अक्षर उठाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एग्जाम आ जाएगा। तो यहां पर ये हमारा जो लेफ्ट फंक्शन है, लेफ्ट राइट मिड कॉन्केटनेट, ये सभी हमारे फंक्शन एमएस एक्सेल के टेक्स्ट प्रकार के फंक्शन हैं, जो कि टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं, स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं, वो टेक्स्ट प्रकार के फंक्शन कहलाते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीपीसीटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर एग्जांपल क्रिएट किए हैं, हो सकता है कि यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे जो है यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो कोई वैल्यू दे दे, है ना, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि लेफ्ट फंक्शन राइट फंक्शन क्या काम करता है। अगर यहीं पे अगर राइट लिख देता हो तो इस शब्द के राइट से जो अक्षर आएगा वो आंसर हो जाता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, हाँ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैं एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा, तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, तो यहां पे देखिए इफ हमारा किसमें आता है, कंडीशनल, कंडीशनल फार्मूला में आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है। यदि 38 बड़ा हो या बराबर हो 38 के, तो ये वाला आएगा सीपीसीटी पास, नहीं तो सीपीसीटी फेल। यहां कंडीशन चेक की गई है कि अगर 38 जो वैल्यू ये लिखा है क्या 38 के बराबर या बड़ा है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है, सत्य है, तो सत्य की स्थिति में पहला वाला रन होता है चाहे जो भी लिखा हो, असत्य की स्थिति में, इसके गलत की स्थिति में सेकंड वाला। तो यहां पर फिलहाल 38 38 के बराबर है, इसलिए आंसर आ जाएगा सीपीसीटी पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सेल का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सेल होता है उसमें जो सेल होते हैं फर्स्ट सेल का नाम होता है ए नंबर कॉलम, वन नंबर रो, इसलिए इसका नाम हो गया A1। तो पहले सेल का नाम क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, चलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से किसी सेल का नाम कहां पर दिखाई देता है, तो किसी भी सेल का नाम कहां दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। एक्सेल के ऊपर आप जाइएगा एक्सेल ओपन करने के बाद, तो नेम बॉक्स यानी कि फार्मूला बार के लेफ्ट में क्या होता है, नेम बॉक्स। तो किसी भी सेल का नाम कहां पर दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए करते हैं, रो या कॉलम आपको इंसर्ट करना होगा ना, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ए और बी के बीच में अगर एक कॉलम ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस सी प्लस 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 कर दीजिए, देखिए ऐड हो गया। अगर हटाना है तो कंट्रोल माइनस कर दीजिए, हट जाएगा। रो या कॉलम जोड़ना है, दोनों के लिए शॉर्टकट की वही होती है। तो यानी कि इसीलिए पूछ रहा है कि रो या कॉलम, चाहे कॉलम ऐड करो चाहे रो ऐड करो, दोनों के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग ट्रांसपोज फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, ट्रांसपोज फंक्शन। अच्छा, यह ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमारा ये लिखा हुआ है रोल नंबर, ठीक है, इसको हम कर देते हैं, ये लिखा हुआ है अपना रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम और ओके फीस, इसको बाद हमने डाल दिया रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ओके स्टूडेंट वन, फीस, ओके यहां पर हमने कर दिया। चलिए इतना करते हैं, अभी देखिए इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, 1 2 रो है, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, देखिए हमें कितने रो बनाना पड़ेगा, 1 2 3 रो, कॉलम कितना बनाना पड़ेगा, जितना रो है उसका अपोजिट,
तो यानी कि कितने कॉलम है यहां पर, एक दो तीन कॉलम, तो रो एक दो तीन, रो रो कितने हैं, एक दो, तो यहां पे कॉलम कितने बनेंगे, दो। अब यहां पे लिख दिया हमने ट्रांसपोज, अब यहां से यहां तक हमने कर लिया सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस सी प्लस एंटर मारा, ये देखिए रो को कॉलम में, कॉलम का रो में कन्वर्ट हो गया, रोल नंबर इस तरह से आने लगा, नेम इस तरह से, फीस इस तरह से। तो रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसपोज फंक्शन का यूज होता है, और ट्रांसपोज फंक्शन को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ, कंट्रोल प्लस सी प्लस एंटर प्रेस किया जाता है। तो हमने यहां पे क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस सी प्लस एंटर प्रेस किया हमने, तो क्या हो गया यहां पर, ये ट्रांसपोज फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी प्लस एंटर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है 42 क्वेश्चन, नोट पैड फाइल एक्सटेंशन, जो नोट पैड की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डिफॉल्ट रूप से क्या बनता है, क्या बनता है बताइए इसका आंसर, डॉट, हाँ गुड, डॉट टीएक्सटी बनती है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस, माउस किस प्रकार का डिवाइस है, माउस अपना इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, माउस से क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डिवाइस है, वेरी गुड। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या होती है, तो कौन सी होती है, पिक्सल, यानी कि आपका आप जो पिक्सल जितना ज्यादा होगा आपका जो पिक्चर की क्वालिटी है उतना अच्छा आएगा। ये पिक्सल क्या होता है, व्हाट इज पिक्सल, ये समझिए, तो क्या होता है कि पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पॉइंट, पिक्सल स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम एक ए लिख रहे हैं, हम ये डॉट डॉट करके ए लिख रहे हैं, ये देखिए ये लिखा हमने, ए लिखा, ये पिक्सल इसके दूर दूर है, पॉइंट दूर दूर है, और एक इस, एक और हम लिखते हैं ये, इसको हम और पास पास, जो इसके डॉट है ना, इसके डॉट और पास पास कर देते हैं, तो अब आप बताओ कि पहले वाला क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेकंड वाला क्लियर दिखाई दे रहा है, बताइए पहला वाला क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेकंड वाला क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यानी कि सेकंड वाला क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो इसके पिक्सल पास पास है, जो इसके डॉट्स है पास पास है, इसीलिए जितना मेगा पिक्सल की आपकी मोबाइल होती है उसकी क्वालिटी पिक्चर की उतना ज्यादा आती है, अच्छी आती है, जितना कम मेगा पिक्सल का होगा, जितने कम पिक्सल्स होंगे उतना ही आपकी इमेज फटी फटी आएगी, इमेज की क्वालिटी लो आएगी। तो यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन, तो कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या होती है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिक्सल हो जाएगा। पिक्सल, व्हाट इज पिक्सल, स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है पिक्सल, ठीक है ना, पिक्सल के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 45 क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन यहां पर चलते हैं, 45 क्वेश्चन ये है अपना, Which of the following is a standard security technology for encrypted connection between web server and web browser? यानी कि अगर आपको, जैसे मान लो आपका सर्वर रखा हुआ है, वेब सर्वर रखा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर पे जो यूजर होता है, यूजर क्या करता है, यूजर अपना ब्राउजर के माध्यम से, जो वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम है ना, इसको क्या करता है, चलाता है, किस लिए चलाता है, इंटरनेट चलाने के लिए करता है। तो इंटरनेट चलाने के लिए कोई भी सर्वर को क्या करता है, वो एक्सेस करता है, सर्वर के डाटा को क्या करता है, एक्सेस करता है। तो जो सर्वर का डाटा यहां पे यूजर के पास जा रहा है, तो सिक्योरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है ताकि डाटा सिक्योर रहे, ठीक है। जो जिसमें आप देखना, जिसमें ट्रांजेक्शन्स वाले वेबसाइट्स होते हैं, जिसमें लेन देन होता है, पैसा का लेन देन होता है, मोर सिक्योरिटी वाले होते हैं, उसमें जो SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगा होता है, और उसमें HTTP या सिक्योरिटी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी HTTPS लगा रहता है, प्रोटोकॉल HTTPS यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर सिक्योरिटी पर्पस से क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस से सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। तो वो क्या, हां यूज होता है, वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में इंक्रिप्शन के लिए
यूज किया जाता है, क्या एस एस एल सर्टिफिकेट यूज होता है। एस एस एल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग इज नॉट मालवेयर, यहां पर नॉट ए मालवेयर, यहां पर नोटा हो गया है, नोटा हो गया तो यहां पर नॉट ए होगा, है ना, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है, तो यहां पर कौन सा मालवेयर नहीं, यहां पे फर्मवेयर, यानी आपका ये मालवेयर ये भी है, स्पाइवेयर ये भी है, ट्रोजन हॉर्स ये भी है, फर्मवेयर क्या है, मालवेयर नहीं है। फर्मवेयर क्या है आपका, ये हार्डवेयर, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर, ठीक है ना। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, हाँ, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ओपन द रजिस्ट्री टू सर्च एड एंड एडिट रजिस्ट्री एंट्री ऑफ एप्लीकेशन। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग एप्लीकेशन की एंट्री खोल के एंट्री को सर्च करने के लिए या जोड़ने के लिए, एडिट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहां पे एडिट, रजिस्ट्री एडिट, ठीक है। तो अगर आपको रजिस्ट्री एडिट करना है ना, तो आप यहां पे रन पे लिखिए REGEDIT, तो रजिस्ट्री को एडिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में जो भी आप सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, इस ये रजिस्ट्री एडिटर अपना यहां पर ओपन हो गया। किसी भी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में सुधार करना होता है तो हम REGEDIT का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ ये बैक जाते हैं 47, ये क्वेश्चन समझा गया ना। नेक्स्ट, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोहिबिटेड अ यूजर टू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम, नेसेसरी प्रिविलेज कैन बी सेट यूजिंग। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता को सिस्टम की तारीख, समय, डेट और टाइम बदलने से रोकने के लिए किसका उपयोग करके विशेषाधिकार को सेट किया जा सकता है। मतलब जो आपके सिस्टम में राइट साइड में ये यहाँ पर कॉर्नर पे जो टाइम और डेट दिखाई देता है ना, इसको कोई भी बदल ना पाए, कोई भी यूजर बदल ना पाए, इसके लिए ऐसा हम सेटिंग कहाँ करते हैं। तो ऐसा सेटिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि क्या यूज करते हैं, हाँ सिक्योरिटी पॉलिसी, SEC सिक्योरिटी, SECPOL.MSC लिख करके एंटर मारेंगे तो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी ओपन हो जाएगी। यहां पर जाकर के और आप यहां पे लोकल पॉलिसीज में जाकर के और यहां पर देखिए, यहां पे दिखाई दे रहा है क्या, चेंज द टाइम, ठीक है। यहां पे अब देखिए, यहां पर करना क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर पे जाकर के, लोकल सर्विसेज पे जाके इन दोनों को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जब रिमूव कर दीजिए, कर देंगे आप, तो फिर ये चेंजेस यहां पे नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपको यहां पेट्रोल जब करना है तो आप एक बार करके देखना, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्ड 2010 टेम्पलेट हैज द एक्सटेंशन, एमएस वर्ड 2010 में वर्ड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, .dot.exe हो जाएगा, .dot.exe हो जाएगा, ओके। हाँ बताया था ना, एमएस वर्ड में बहुत सारे एक्सटेंशन नेम होते हैं, हमने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 101% ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मिल ही जाएगा, ठीक है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अगर आप एमएस वर्ड ओपन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जा करके सर्च करके आप एक्सटेंशन नेम देख लो, ठीक है। F1 प्रेस करो और यहां पर जा करके F1 प्रेस करके और ये और भी जो एक्सटेंशन नेम होते हैं EXTENSION एक्सटेंशन नेम डालिए और यहां पर देखिए एमएस वर्ड के जितने भी एक्सटेंशन नेम होते हैं बिल्कुल आप घुट्टा मार लीजिए, रट लीजिए। हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पूछता है ना, हर एग्जाम में पूछता है ये CPCT के। यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट, ये देखिए
हाँ एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट फाइल का, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? .docm होता है। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .dotx होता है। माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट क्या होता है? .dotm होता है। तो आपको ये माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट का .dotm यही पूछा है, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .dotx होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? .dotx टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। इन एमएस वर्ड द प्रोसेस टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर एंड प्री एड्रेस एनवेलप्स और मेलिंग लेवल फॉर्म्स मेलिंग इज रिफर्ड टू एज। एमएस वर्ड में बहुत सारे लोगों को मेल करने के लिए निम्नलिखित लेटर और प्री एड्रेस एनवेलप या मेलिंग लेवल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं इसके लिए? मेल मर्ज। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। अच्छा, मेल मर्ज क्या होता है? जब अभी तो वर्ड अपना स्टार्ट ही हुआ है, बीच में पहुंचा हुआ है, ठीक है, जब हम मेल मर्ज बताएंगे तो उसको हम एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से कर देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बता ही देता हूं, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड है ना, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है ना, ठीक है, कोई भी एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को कई लोगों को हमें क्या करना है? फॉरवर्ड करना है उनके नाम से अलग अलग, लेकिन सेम डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को अगर देना है तो हम मेल मर्ज यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, हमने आइडेंटिटी कार्ड मतलब बनाया, चलिए फटाफट कर देते हैं, एक्स वाई जेड कॉन्वेंट स्कूल रीवा, ओके, ओके यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमने कर दिया रोल नंबर, यहाँ पे आना चाहिए, ओके, इसके बाद स्टूडेंट नेम यहाँ पे आना चाहिए, को ठीक है, स्टूडेंट नेम और कोर्स, और इसके बाद कर दिया हमने एड्रेस, ठीक है ना। अब ये हमारा जो फॉर्मेट है ना, सभी स्टूडेंट के लिए सेम है, अभी किस स्टूडेंट के लिए है निश्चित नहीं है, इसको हमें मेल मर्ज में कन्वर्ट करना है, बनाना है। तो हमें करना क्या है कि आप जाएंगे कहां, मेलिंग पे जाएंगे, मेलिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहां पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज मिलेगा, मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप पे जाएंगे, आप यहां पर लेटर पे जाएंगे और यहां पर जाकर के आप क्या करेंगे, टाइप न्यू लिस्ट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद आप यहां पे आप कस्टमाइज कॉलम कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग बना लो, क्या क्या चाहिए आपको कॉलम, आपको कॉलम चाहिए रोल नंबर चाहिए, एड कर लिया, इसके बाद और क्या चाहिए आपको, हाँ, रोल नंबर के बाद क्या चाहिए आपको, स्टूडेंट का नाम चाहिए आपको, यस नेम चाहिए, ऐड कर लिया, इसके बाद क्या चाहिए आपको, कोर्स चाहिए, कोर्स ऐड कर लिया, इसके बाद क्या चाहिए आपको, एड्रेस चाहिए, एड्रेस ऐड कर लिया, ओके ऐड हो गया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि ये बन गया ना, रोल नंबर डाल दिया इतना, स्टूडेंट नेम, हाँ, स्टूडेंट वन, कोर्स सीपीसीटी, एड्रेस रीवा, न्यू एंट्री 1000 1002, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट टू, कोर्स कोपा, एड्रेस बीपीएल, ओके न्यू एंट्री, इसी तरह से हम करते जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट थ्री, ठीक है, कोर्स पीजीडीसीए, ठीक है, एड्रेस जबलपुर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें कर देना है सेव कर देना है डेस्कटॉप पे, इसको आप किसी भी नाम सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड, ठीक है, सेव कर दिया हमने, और सेव करने के बाद ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अभी हम इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमें समझाना है इसलिए, तो मेल मर्ज क्या होता है इसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जाकर के, हाँ, यहां पर आपको जाना है इंसर्ट में, रोल नंबर दिख, रोल नंबर आ गया, इंसर्ट में स्टूडेंट नेम, नेम आ गया, इसके बाद कोर्स, कोर्स आ गया, और ये आ गया अपना एड्रेस आ गया। अब सेम डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना है, तो देखो ये बन गया स्टूडेंट वन का, ये बन गया स्टूडेंट नंबर टू का, बन गया ये स्टूडेंट नंबर थ्री का, बन गया सभी का अलग अलग बन गया। तो यानी कि सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अगर भेजना है तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं।
चाहे वो लेटर हो, चाहे वो एनलव हो, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सेम डॉक्यूमेंट रहे और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजना है, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू मेक अ स्पेसिफिक प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट फॉर लेटर रिकॉर्डिंग टू रिट्रीवल। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट के विशिष्ट स्थान को प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, ताकि बाद में पढ़ा या उसे ढूंढा जा सके। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका तो बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको हम असाइन कर दें, बाद में इसमें हमें ढूंढना है, इसको ढूंढना है, इसके अंदर काम करना है, तो इसको हमें असाइन कर देना है। कहाँ पे जाना है, बुकमार्क में जाना है। बुकमार्क के लिए कंट्रोल प्लस सिर्फ से F5 होती है, और यहाँ पे बुकमार्क का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया एग्जाम युग दे दिया और एड कर लो। अब आपको पता है क्या कि हमने किसको असाइन किया था, तो उसको ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए आप बुकमार्क पे जा करके और गो टू करोगे, तो आप बुकमार्क पे डायरेक्ट जा सकते हो। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली और बताएंगे, बार बार बताएंगे इसको, जब तक बनेगा नहीं तब तक हम इसको बताते रहेंगे, लेकिन ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा बुक मार्क हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एमएस वर्ड के लिंक ग्रुप के अंतर्गत आता है बुक मार्क। ठीक है ना, ये हाइपर रेफरेंस वगैरह आता है सब। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन रहते हैं, तो द एब्रिविएशन ऑफ आईपी यानी कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आसान है। ठीक है, 32 बिट का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट मॉडल नंबर 5 में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।